हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये कुछ नोटिफिकेशन जो जारी किए हैं वो आपसे रिलेटेड हैं। आप इन नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। इसमें पहला जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि ODL प्रोग्राम ऑन ऑफर डेट एक्सटेंडेड अप टू 13 सितंबर 2020। मतलब जो ODL प्रोग्राम है वो 30 सितंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं। ये प्रोग्राम पहले 16 सितंबर तक थे, पर अब आप 30 सितंबर तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हॉल टिकट फॉर जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन। आपका हॉल टिकट जो जून 2020 में आपके एग्ज़ाम होने वाले थे, वो 17 सितंबर से आपके एग्ज़ाम आरंभ होने वाले हैं। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट अपना हॉल टिकट यहाँ से, इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला लिंक है वो है ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2020 सेशन एक्सटेंडेड टिल 13 सितंबर 2020 विदाउट लेट फीस। आप री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2020, आप जुलाई 2020 के लिए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिना लेट फीस के भर सकते हैं, और इसकी डेट जो है वो 30 सितंबर 2020 कर दी है। पहले ये डेट 16 सितंबर तक थी, पर अब इस डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया। इसके बाद अगला जो लिंक है वो है आपका डेट सीट फॉर जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 17 सितंबर 2020। इसमें ये बताया गया है आपको कि 17 सितंबर से फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया था कि 17 सितंबर से फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम आरंभ होने वाले हैं, और ये एग्ज़ाम आपके 17 सितंबर से होंगे, और इसमें फर्स्ट और सेकंड ईयर के भी एग्ज़ाम पेपर शो कर रहे हैं। पर ये पेपर सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए हैं जिनकी फर्स्ट और सेकंड ईयर में बैक आई थी। तो जिन छात्रों ने अभी ये डेट शीट नहीं देखी है, वो छात्र ये डेट शीट यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला लिंक है ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन ऑफर डेट एक्सटेंडेड अप टू 13 सितंबर 2020। जो छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं नए प्रोग्राम के लिए, न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी डेट 30 सितंबर 2020 रखी गई है। पहले ये डेट 16 तारीख तक रखी गई थी, पर अब इस डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है। इसके बाद जो आपका लास्ट लिंक है वो, उसमें बताया गया है कि आप डाउनलोड आईडी कार्ड ऑफ जुलाई 2019 एंड अर्लियर बैचेस। जिन छात्रों का 2019 जुलाई 2019 और उससे पहले बैचेस का आईडी कार्ड गुम हो गया है, या वो अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, छात्र इस लिंक पर जाकर अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर लिंक पे जाना है। इसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑल स्टूडेंट लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करना है। इसके बाद लॉगिन करना है। आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप अपना फॉरगोट यूज़र नेम और फॉरगोट पासवर्ड करके आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दोबारा ला सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।